हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई स्किल पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट और कलर चेंज करना और टेक्स्ट को अलाइन सेंटर करना। जो एक्सेल में हम डेटा हम एंटर करते हैं उसको फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, उसको अलाइन सेंटर राइट लेफ्ट राइट कैसे कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली करते कैसे हैं। देखिएगा, जैसे कि अभी हमारी ये जो सीट है, इस सीट में जो डेटा हमने टाइप किया था ये अभी नॉर्मल है, यानी कि इसके अंदर हमने अभी कोई फॉर्मेटिंग नहीं की। फॉर्मेटिंग का मतलब जैसे कि इसके अंदर हमने कोई कलर नहीं दिया, हमने इसका कोई फॉन्ट चेंज नहीं किया, या फिर हमने इसको अलाइन सेंटर नहीं किया, इसको सेंटर में नहीं किया। और तो ये सब चीज़ें हम इसी में करने वाले हैं। मान लो आपको इसका नेम का जो है कलर चेंज करना है, तो आप सिंपल क्या करोगे, वर्ड में क्या होता था, वर्ड में हमको ऐसे ड्रैग करना होता था किसी भी वर्ड को। जैसे कि ये वर्ड नेम नाम का है, तो अगर हमें उसको सेलेक्ट करना है तो हमको ऐसे ड्रैग करना होता था उसके अंदर। इसमें क्या है कि सीधा आप कॉलम को सेलेक्ट करो, ये इतना एक कॉलम है ये वाला बी जो नाम है, इसको सेलेक्ट करो और जो ये सेलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर आएंगे, देखिएगा ये जो हमारे पास कलर का जो डब्बा है यहाँ पर, इसके एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी एक कलर चुन सकते हैं। मैंने ये कलर इसका दे दिया, ठीक है। अब आपको मोबाइल का कलर चेंज करना है तो मोबाइल पे सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे इसका मतलब, और यहाँ पर बॉक्स पर आएंगे कलर वाले, यहाँ पर मैंने मोबाइल का ये वाला कलर दे दिया। अब एड्रेस का कर देते हैं, मैं इसकी स्पेलिंग सही कर देता हूँ। एड्रेस, एड्रेस को ऐसे क्लिक करेंगे एड्रेस के ऊपर, ये सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आपका रो पूरी सेलेक्ट हो गई, सॉरी ये कॉलम जो सेलेक्ट हो गया आपका या रो, इस पे डब्बे पर आएंगे दोबारा कलर वाले, यहाँ से मैं ग्रीन ले लेता हूँ, ये मैंने कर दिया। आईडी का भी ऐसे कर देते हैं, ये देखिएगा मैंने आईडी का भी कलर चेंज कर दिया, सॉरी, ये देखिएगा। अब मान लो ये तो आपने इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया, जो कि आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो वर्ड आपके पास लिखे हुए हैं, आपने इसके पीछे का टेक्स्ट सॉरी बैकग्राउंड जो है वो उसका कलर चेंज किया है। मान लो आपको खुद वर्ड का कलर चेंज करना है, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनका कलर चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे, आप दोबारा ऐसे सेलेक्ट करोगे, ऐसे ही दोबारा उसी के ऊपर क्लिक करोगे। अब हमें डब्बे पर नहीं आना है, क्योंकि ये डब्बा जो होता है कलर वाला, ये होता है सिर्फ बैकग्राउंड के लिए और ये वर्ड्स के लिए होता है, ए जो लिखा है ये होता है हमारा वर्ड्स के लिए। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ मैं कलर ले लेता हूँ वाइट, ये देखिएगा ऐसे मेरा मोबाइल का करना है, सेलेक्ट करेंगे, ए पर गए, वाइट पर गए, क्लिक, ऐसे ही मैं एड्रेस का कर दूंगा, एड्रेस पर गया मैं, इसके ऊपर क्लिक किया, ए के एरो पे गया और वाइट कलर ले लिया मैंने यहाँ से, ऐसे मैं आईडी का कर देता हूँ, ये देखिएगा अभी आपका जो है बैकग्राउंड भी और टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है एमएस वर्ड एमएस एक्सेल के अंदर, वो ब्लैक कलर का होता है, जैसे कि पहले से यहाँ पर हुआ हुआ है। अब मान लो आपको इसका जो है ये जो सॉरी इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं, एस मान जो सलमान जो नेम है इसको सेंटर में करना है। ये देखो थोड़ा स्पेस है यहाँ पर, ये देखो कॉलम में थोड़ा स्पेस है, ये बिल्कुल सट के स्टार्ट हो रहा है, तो इसको आपको सेंटर में करना है इसके। तो कैसे करेंगे, यहीं पर इसको क्लिक करेंगे इसके ऊपर और हम यहाँ पर आएंगे, ये देखो ये वाला अभी ये लेफ्ट से स्टार्ट है, अलाइन लेफ्ट है ये, अभी अलाइन सेंटर करना है तो सेंटर पे क्लिक करेंगे, ये देखिएगा ये नेम जो है सटा हुआ है, सलमान थोड़ा बीच में आ गया। अगर आपको सभी को ऐसे ही करना है एक ही बार करना है तो क्या करेंगे, बी पर आएंगे, ये दो कॉलम का जो नाम है बी, इस पर ऐसे जब जाएंगे तो आपका ये कर्जर एरो के मोड में आ जाएगा, तो इसको ऐसे करेंगे जब, तो आप क्लिक करेंगे लेफ्ट माउस का और ये देखो सारा सेलेक्ट हो गया। अब इस रो के अंदर लास्ट तक जितना भी आपका टेक्स्ट लिखा होगा, जितने भी नेम्स होंगे, वो सब ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएंगे। जब मैंने इसको सेलेक्ट किया बी के ऊपर जाने के लिए और यहाँ पर सेंटर पे गया, सेंटर पे क्लिक किया, ये देखो सब सेंटर में आ गया। ऐसे ही आप मोबाइल के सेक्शन को कर सकते हैं, सी पर गए, यहाँ पर जो उसका कॉलम का नेम है ऊपर ए बी सी डी जो भी ये कॉलम के नाम होते हैं, सी पर गए, एरो आ गया उसके ऊपर क्लिक किया, से क्लिक करने बाद सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट करने बाद फिर यहाँ पर अलाइन सेंटर पर क्लिक करेंगे, ये देखिएगा एक ही बार सभी को भी कर सकते हैं आप। ये तो तब की बात है अगर आपको एक ही रो कॉलम को करना है, अगर मान लो आपको जितनी भी रोज़ हैं तो उसको सभी को करना है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखो
यहाँ पर इसका जो एरो है ऊपर वाला, देखो सब सेलेक्ट हो गया, पूरी की पूरी सीट सेलेक्ट हो गई। दोबारा से देखो, ये कॉर्नर पे आएंगे ऊपर, देखो जो लेफ्ट साइड में ऊपर में कॉर्नर पे आए हैं। हाँ ये देखो, कॉर्नर में जो बना हुआ है एरो छोटा सा, यहाँ पर बी के और ए के बीच में जो है, यहाँ पर आप आएंगे अपना माउस ले करके, इसके ऊपर क्लिक करेंगे लेफ्ट माउस, ये पूरी सीट आपकी सेलेक्ट हो गई। अब इस सीट के अंदर चाहे 1,000 हो, 5,000 हो, 10,000 हो, कितने भी हो आप, वो सब सेंटर में आ जाएंगे। जो भी आप अप्लाई करोगे चीज़, वो सब के ऊपर होगी, क्योंकि आपने सब को सेलेक्ट किया, यहाँ से पूरी सीट को सेलेक्ट कर लिया। अब इसको कर देते हैं सेंटर, ये देखो मैंने सेंटर पे कर दिया, सब के सब सेंटर में आ गए। तो ऐसे करके आप इसका बैकग्राउंड कलर और सेंटर टेक्स्ट कर सकते हैं। अभी देखिएगा, अब हम कौन सी सीट पे काम कर रहे हैं, नीचे देखिएगा यहाँ पर बॉटम में, इसके इसकी फीस सीट वन, ये वाली देखो, सीट वन, सीट टू, सीट थ्री, यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। ऐड किया सीट, ये फोर हो गया। देखो इसको आप इधर उधर भी कर सकते हैं, आप सीट फोर लास्ट में ले आए, इसको क्लिक करना है लेफ्ट और उसको ड्रैग कर देना है इधर। अब 1, 2, 3, 4, अभी हम सीट वन पर काम कर रहे हैं। जब आपके पास बहुत सारा डेटा होगा, बहुत सारी सीट्स होंगे अलग अलग, मान लो किसी कंपनी की कोई सैलरी की सीट्स है, कोई पेट्रोल की सीट्स है, कोई खर्चे कितने हुए ऑफिस में उसकी सीट्स हैं, तो अलग अलग सीट बना सकते हैं आप यहाँ से ऐसे। और कितने सीट्स हैं आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे इसके लेफ्ट साइड में और माउस का राइट क्लिक करेंगे और ये सारे नाम आपको यहाँ शो कर देगा। ये कब होता है, जब यहाँ ज़्यादा सीट हो जाएंगी, यहाँ दिखनी बंद हो जाएंगी, तो फिर आप यहाँ पर माउस ला करके इसके ऊपर माउस का राइट क्लिक करने के पर यहाँ सारी सीटों की डिटेल आ जाएंगी, जितनी भी आप सीट बनाए हुए हों अपने पेज के ऊपर। ये ऐसे हम इसको फॉर्मेटिंग कलर कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हर रोज़ ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।